हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चारू और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। अपने बच्चों को लिखना सिखाने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो आप अपना सकते हो? तो सबसे फर्स्ट है तरीका है कि पेन या पेंसिल या चॉक पकड़ना सिखाएं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को पेन या फिर पेंसिल या चॉक पकड़ना सिखाएं। आप अपने बच्चों को उंगली और अंगूठों के बीच जो है पेंसिल को पकड़ना सिखाइए, जिससे कि उसका जो ग्रिप होगा वो मजबूत होगा, तो लिखने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप उसको उंगली और अंगूठे के बीच में पेंसिल को पकड़ना सिखाएं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि रफ़ कॉपी या फिर उसको स्लेट पर लिखना सिखाएं। सबसे पहले उसको रफ़ नोटबुक या स्लेट में लिखने को दें, जिससे कि अगर उससे कोई गलती भी होती है तो वो उसको जो है आसानी से मिटा ले या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसने गलत लिखा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा रंग का सहारा। तीसरा है रंग का सहारा लें। मीन्स आप अपने बच्चों को रंगों के माध्यम से, जैसे उसको बच्चों को वैसे भी कलर बहुत पसंद होते हैं, कलर को देख के बच्चे जो है लिखने का मन भी करता है उनका, तो आप उनको स्केच पेन दें या मार्कर दें, जिससे कि बच्चा जो है आराम से उसको कुछ भी, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, मतलब उसको जो है बदल बदल के कलर्स आप दे सकते हो, ए बी। इससे क्या होगा, बच्चे का मन करेगा लिखने का और बच्चे को सीखने में आसानी होगी। चौथा पॉइंट है हमारा वाइट बोर्ड या फिर उसको आप मार्कर दे सकते हैं। वाइट बोर्ड मार्कर पे बच्चा जो है उल्टा सीधा कुछ भी लिखेगा, छोटा आ, ऐसे ए, 1 2 3, इस तरीके से वो लिखेगा और उसको मिटाएगा। इससे उसकी जो होगी ये ग्रिप जो होगी वो मजबूत होगी और उसकी उंगलियां जो है आसानी से मूव करने लगेंगी। मेरा बच्चा क्या करता है, नोटबुक से ज़्यादा वो जो है बोर्ड पर, स्लेट पर, चॉक से बार बार लिखना मिटाना, कलर स्केच, इन सब से लिखना पसंद करता है। पाँचवा पॉइंट है हमारा बच्चों को दिखाकर खुद भी लिखें। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को देख के बड़ों को कॉपी करते हैं। बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं और जब आप उसके साथ लिखने के लिए बैठेंगे तो उसका मन भी करेगा लिखने का। आप उसके साथ कंपटीशन करिए, देखते हैं बेटा आप लिखो मैं भी लिख रहा हूँ, देखते कौन फर्स्ट आएगा, कौन अच्छा लिखता है, कौन सुंदर सा अच्छा बनाता है। तो इससे बच्चा जो होगा लिखने की प्रैक्टिस करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मैं फर्स्ट आऊँ, मम्मी हार जाए, पापा हार जाए। तो बच्चे जो हैं बड़ों को देख के सीखते हैं, बच्चों को कॉपी करते हैं, बड़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आप भी उनके सामने लिख कर दिखाइए। सिक्स पॉइंट है हमारा मोटिवेट देम। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको हतोत्साहित मत करिए। बच्चों को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए। अगर कंपेयर करते हैं तो आप बच्चे की अच्छाई दिखाइए। बच्चे से कहिए कि बेटा तुम उससे अच्छा करते हो, तुम होशियार हो। इससे बच्चा जो होगा वो मोटिवेट होगा और उसको कुछ करने का, सीखने का मन करेगा। तो बच्चों को कभी भी डिप्रेस मत करिए। तो हमारे ये 6 पॉइंट हो गए। पहला था आप पेन और पेंसिल या चॉक से लिखना बच्चों को दें, जिससे कि वो मिटा भी सके या उसको पेंसिल चॉक से आराम से वो लिख सकेगा, उसकी ग्रिप मजबूत होगी, उसको पेन पेंसिल से जो है पेन अंगूठा और फिंगर्स के बीच में उसको पेन पेंसिल पकड़ना सिखाएं। उसको रफ़ कॉपी या स्लेट पर दें, जिससे वो आसानी से मिटा सके। रंगों का सहारा दें, बच्चों रंग देके अट्रैक्ट होते हैं। वाइट बोर्ड या मार्कर दें, इससे बच्चा बार बार मिटा सकेगा और
लिखेगा, बच्चों को दिखाकर खुद भी लिखें, उनके आइडल बने। सिक्स्थ है मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट करें। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने बच्चों को जो है लिखना सिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कर सकते हैं लिखने के लिए। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।